हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा, हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था सबरिंग्स। बट एक बच्चे का डाउट था कि एवरी फाइनाइट नॉन इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड में काफ़ी डाउट्स आ रहे हैं। बच्चे का नाम है रवि। सो आज की वीडियो रहेगी डाउट वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम इस पूरी थ्योरम को अच्छे से समझेंगे। आई होप आपके में से और भी जिन बच्चों का डाउट यही थ्योरम रही होगी, उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपना सबरिंग का जो आगे का टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, क्योंकि ये थ्योरम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी आती है। बट मुझे लगा आपको प्रीवियस जितनी भी थ्योरम्स मैंने कराई हैं उनकी हेल्प से ये थ्योरम भी क्लियर हो जाएगी। स्टिल आज की वीडियो में आपको और एक एक पॉइंट इसको इस थ्योरम का समझने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम के स्टेटमेंट सबसे पहले आप ध्यान से देखिए क्या है। एवरी फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। इंटीग्रल डोमेन को आपने फील्ड प्रूव करना है। और इंटीग्रल डोमेन है भी कैसी, आपके पास फाइनाइट नॉन ज़ीरो। नॉन ज़ीरो तो मतलब उसके अंदर एटलीस्ट एक ना एक एलिमेंट तो है। और यहाँ पर फाइनाइट का मतलब क्या है कि जितने उसके अंदर मेंबर्स हैं वो फाइनाइट हैं, ठीक है। तो आपके पास गिवन क्या है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, और प्रूफ क्या करना है, फील्ड। देखो प्रीवियस वीडियोस में आपने समझा होगा इंटीग्रल डोमेन है क्या। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रिंग प्लस विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। इंटीग्रल डोमेन के अंदर दो चीज़ आएंगी, कॉम्यूटेटिव रिंग और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, ठीक है। अब हमारे पास हमें इसको प्रूफ क्या करना है, इसे हमें प्रूफ करना है फील्ड। फील्ड के अंदर आपको पता है कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। फील्ड के अंदर कंडीशंस, फील्ड एक तरीके से है क्या, कॉम्यूटेटिव डिवीजन रिंग, यानी कि एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रल डोमेन से उसके अंदर एक्स्ट्रा, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि आपके पास हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। हर एलिमेंट का आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास इंटीग्रल डोमेन ऑलरेडी गिवन है और वो फाइनाइट भी, और आपको जस्ट उसको क्या करना है, फील्ड प्रूफ करके दिखाना है। डेट इज़ किसी ना किसी तरीके से आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस तक पहुंचना है, ये दिखाना है कि हर एलिमेंट का, हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का एफ के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। और एफ हमारे पास क्या है, फील्ड। तो हमें लेकर क्या चलना है, एक नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन जिसके अंदर मेंबर्स हमारे पास हैं एन, क्योंकि देखो फाइनाइट है तो हम एन मेंबर्स लेकर चल रहे हैं, ठीक है। यही चीज़ मैं लिख रही हूँ, अब यहाँ से मैं कर रही हूँ थ्योरम को स्टार्ट। लेट एफ बी अ फाइनाइट नॉन ज़ीरो इंटीग्रल डोमेन जिसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं एन। एन एलिमेंट्स को मैं किस तरीके से डिनोट कर रही हूँ, ए वन ए टू अप टू ए एन। और आपको दिखाना क्या है, एफ को हमने दिखाना है कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स प्लस उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस भी हो। फिलहाल हमारे पास, क्योंकि एफ़ क्या है इंटीग्रल डोमेन, तो एफ हमारे पास है क्या, कॉम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। और हमें इसे प्रूफ क्या करके दिखाना है, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि एफ हमारे पास फील्ड है। फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उसके अंदर, डेट इज़ रिंग विद यूनिटी एंड एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। यानी कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम एफ का कोई भी एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये हमारे पास ए क्या हो गया, नॉन ज़ीरो, ठीक है। प्लस आपके पास इंटीग्रल डोमेन डेट इज़ एफ के अंदर मेंबर्स किस तरीके के हैं, ए वन ए टू अप टू ए एन, और ए भी क्या है, कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है एफ में से बाय क्लोज़र प्रॉपर्टी, क्योंकि रिंग के अंदर क्लोज़र सेटिस्फाई करते हैं, ए ए वन ए ए टू अप टू ए ए एन बिलोंग करेंगे एफ के अंदर से। ये बात आपको क्लियर हुई, क्लोजर प्रॉपर्टी के कारण ए ए वन ए ए टू ए अप टू ए ए एन सब के सब करेंगे एफ के अंदर बिलोंग। तो अगर आपके पास पॉसिबल है
पहले हम लेकर चल रहे हैं, अगर हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल ना हुई तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी। अगर पॉसिबल हुआ तो हम एज्यूम कर रहे हैं, एज्यूम ये कर रहे हैं हम कि AAI इज इक्वल टू AAJ है फॉर सम जहाँ पर हमारे पास I इज नॉट इक्वल टू J है। I नॉट इक्वल टू J के लिए हमने क्या मान लिया, AAI इज इक्वल टू AAJ। ठीक है, इसके बाद देखो उस साइड जाकर इसका नेगेटिव चला जाएगा, और एक अगर हम इसमें से कॉमन ले AAIAJ इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये एलिमेंट सारे कहाँ से, F में से। F फिलहाल हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के अंदर आपको पता है क्या होता है, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर। विदाउट ज़ीरो डिवाइजर का मतलब क्या है, कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आ सकता। और यहाँ पर हमें ये चीज़ पता लग रही है कि A और AI माइनस AJ की प्रोडक्ट ज़ीरो है, इसका मतलब या तो हमारे पास A ज़ीरो है या फिर हमारे पास AI माइनस AJ इज इक्वल टू ज़ीरो है, या तो ये ज़ीरो है या ये ज़ीरो है। ठीक है, अगर हमारे पास A ज़ीरो है तब तो इट्स ओके। अगर हमारे पास AI माइनस AJ इज इक्वल टू ज़ीरो है, इसका मतलब क्या है, AI इज इक्वल टू AJ होगा। यहाँ से इसको सॉल्व करके ये चीज़ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने क्यों कही ऐसा कि या तो ये ज़ीरो या फिर ये ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास F क्या था, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन के अंदर हमारे पास क्या होता है, विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब AI इज इक्वल टू AJ का मतलब क्या है, I इज इक्वल टू J, बट हमारे पास तो I नॉट इक्वल टू J था, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने माना था I नॉट इक्वल टू J और हमारे पास आ क्या आ गया, I इज इक्वल टू J। ठीक है, सो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये दो एलिमेंट, यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया था कि ए ए आई इज इक्वल टू ए ए जे है, बट हमारा हमने कॉन्ट्राडिक्शन दिखा के ये कह दिया कि हमारे पास ये जो ए ए वन ए ए टू और ये जो अप टू ए ए एन, ये जो सारे मेंबर्स हैं, ये सारे के सारे हमारे पास मेंबर्स क्या आ गए, डिस्टिंक्ट। क्योंकि इक्वल के केस में तो हमने क्या दिखा दी, कॉन्ट्राडिक्शन। अब कोई भी दो मेंबर्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है, सारे के सारे मेंबर्स क्या हो गए, डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एफ। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, इसके बाद देखिए हमने क्या लिखा, ए क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है एफ के अंदर, तो ए इज इक्वल टू ए ए आई होगा फॉर सम आई। ऐसा क्यों लिखा हमने, देखो क्योंकि हमारे पास हमने ये बताया अभी कि ए ए वन ए ए टू अप टू ए ए एन सभी के सभी डिस्टिंक्ट हैं, और अगर ये सभी डिस्टिंक्ट है और इसके अंदर है भी एन एलिमेंट्स, तो ए क्या होगा, इन्हीं में से किसी एक के इक्वल होगा। यहाँ पर हमारे पास ए किसी ए ए आई के इक्वल ही होगा फॉर सम आई, और आई कहाँ पर वेरी करेगा, वन से एन के बीच में। ठीक है, और हमें इसी चीज़ से क्या पता चलता है कि ए इज इक्वल टू ए ए आई इज इक्वल टू ए आई ए, इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। इस चीज़ को मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास एफ क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग। एफ हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होगा। आपको ये बात पता है इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, जिसकी वजह से मैंने इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। ठीक है, ए ए आई को मैंने ए आई ए के इक्वल लिख दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ ये शो करना है कि ए आई क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ। ए आई मुझे क्या शो करनी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ताकि मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस दिखा सकूं हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो करते हैं। अब इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिखाने के लिए मैं कोई मेंबर ले रही हूँ बी बिलोंग टू एफ, कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया मैंने, कोई भी ये मैंने क्या ले लिया, एक आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया। अब देखो ए एलिमेंट कहाँ से है, एफ में से, और ए ए आई एलिमेंट भी कहाँ से है, एफ में से। ठीक है,
बोथ साइड्स में बी से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। क्लोजर तो ऑपरेट हो ही रहा है, क्लोजर तो ऑलरेडी इस केस के अंदर ट्रू है क्योंकि बी एफ का ही कोई मेंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो लगेगी सही, तो इस चीज़ का मैं आराम से यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ए कॉमन ले लूँ तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में क्या आ गया, दिस वन, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिखूं, b माइनस ए आई बी लिख लीजिए, वैसे तो कॉम्यूटेटिव है तो मैं इसका उल्टा भी लिख सकती हूँ, बट कोई बात नहीं, अब ये लिख लो, उसके बाद हम इसको रिवर्स कर लेंगे, ठीक है। अब देखो अगेन f के मेंबर्स हैं, इंटीग्रल डोमेन है, दो नॉन ज़ीरो का प्रोडक्ट ज़ीरो आ नहीं सकता, तो या तो a ज़ीरो होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, b माइनस ए आई बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हमारे पास ये ज़ीरो हुआ तो b इज़ इक्वल टू ए आई बी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। और ए आई बी किसके इक्वल भी होगा, b ए आई के, क्योंकि हमारे पास रीज़न क्या लिखोगे, f क्या है, f इज़ कॉम्यूटेटिव रिंग, f का कॉम्यूटेटिव रिंग होने की वजह से हमने ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की है, ठीक है। अब हमारे पास f कॉम्यूटेटिव रिंग थी, और देखो आप एक बार ध्यान से देखो, हम जब लिखते हैं a स्टार e इज इक्वल टू a, तो हमारे पास e होती है आइडेंटिटी, ऐसे ही b इज इक्वल टू b स्टार ए आई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली हमें दिख रहा है ए आई हमारे पास क्या आ गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ गई। लेट कर लो एक बार के लिए, क्योंकि हमें पता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वन भी क्या होती है, आइडेंटिटी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम एक बार के लिए लेट कर रहे हैं कि ए आई हमारे पास वन ही है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको वन लेट किया तो वन एफ के लिए, एफ के अंदर से बिलोंग करेगा वन, हमने यहाँ पर आप एक तरीके से ये भी कह सकते हैं इसलिए लेट किया क्योंकि वन हमारे पास इस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है फोर, उसको फोर इंटू वन में लिख सकते हो ना आप, तो वन हमारे पास ए आई अगर हम वन लें तो भी हमारे पास इसके लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो क्योंकि वन अगर आपके पास एफ के अंदर मिल गया तो हमारे पास एफ क्या हो गया, रिंग विद यूनिटी, रिंग हमारे पास ऑलरेडी ये है ही सही, इवन रिंग ही नहीं है, आप इसको क्या बोल सकते हो, कॉम्यूटेटिव रिंग, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो कॉम्यूटेटिव रिंग होगी, प्लस हमने दिखा दिया उसके अंदर यूनिटी है। देखो हमारे बुक के डेफिनेशन के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है इंटीग्रल डोमेन के अंदर यूनिटी होती है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में आप देखोगे इंटीग्रल डोमेन के अंदर यूनिटी नहीं होती, उनका ये मानना है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या दिखा दिया, यूनिटी इसके अंदर दिखा दी कि f के अंदर बिलोंग करे, अदरवाइज आप अगर बिल्कुल प्रॉपर इसी बुक के अकॉर्डिंग चलते हो, अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना क्योंकि हर स्टैंडर्ड बुक में थोड़ा सा इस चीज़ के अंदर डिफरेंस है, तो जैसा आपके टीचर्स कहें वैसे ही मानना कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर ऑलरेडी यूनिटी माननी है या नहीं माननी है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर यूनिटी होती है, तो इसलिए मैंने आपको डेफिनेशन में वही कराया ताकि जो भी आपके टीचर्स चेक करें उसी के अकॉर्डिंग ही चेक करेंगे, बट कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मैं उनके नाम भी दे सकती हूँ, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि रिंग विद यूनिटी इंटीग्रल डोमेन के अंदर होना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि इंटीग्रल डोमेन के अंदर यूनिटी हो ही हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास ए आई क्या आ गया, इक्वल टू वन, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, ये चीज़ें तो आपको क्लियर होंगी ना क्योंकि आप ग्रुप वाला चैप्टर बहुत अच्छे से कर चुके हैं, ठीक है। सो ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट ले रहे हैं ए और दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं ए आर, कॉम्यूटेटिव रिंग है तो ए आर ए के इक्वल भी होगा, इक्वल टू वन, तो हमारे पास यहाँ पे ए का ए आर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन आ रही है, तो ए इंटू ए आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ए, ये चीज़ इसके इक्वल हमने क्यों लिखी, क्योंकि एफ हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, एफ हमारे पास कॉम्यूटेटिव रिंग है, और ए आर डॉट ए इज इक्वल टू वन आ गया, सो ए आर क्या हो गया, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स,
और हमारे पास क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने जो कंसीडर किया था तो एक और नॉन जीरो एलिमेंट कंसीडर किया था, सो एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का हमारे पास क्या आ गया, इनवर्स। ए आर्बिट्ररी मेंबर था, कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू हो, ए आर्बिट्ररी था प्लस ए नॉन जीरो था। सो हमने यहाँ दिखा दिया कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट का आपके पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और हमें यही दिखाना था कि हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें मिल जाएगा एफ के अंदर ही। सो हम ये कह सकते हैं कि एफ इज अ फील्ड, एफ इज अ फील्ड, ठीक है। तो ये थ्योरम इतनी ही थी, बहुत इजी थी। मेन आपको यही देखना था कि नॉन जीरो इंटीग्रल डोमेन दिया हुआ है, उसके क्या कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, और हमें फील्ड प्रूफ करना है तो हमें कौन सी कंडीशंस और प्रूफ करके दिखानी है। इंटीग्रल डोमेन से एक्स्ट्रा फील्ड के अंदर क्या आता है, रिंग विद यूनिटी, यानी कि उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए प्लस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यूनिटी आप ना भी दिखाएं तो आपका काम चल सकता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, बट हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस एक्सिस्ट ज़रूर करके दिखाने हैं। तो इस थ्योरम के अंदर इतना ही था, एग्ज़ाम में आ जाती है कई बार। और इसके बाद ये जो थ्योरम्स है ना इस चैप्टर के, काफ़ी रिलेटेड हैं। अगर आपने एक थ्योरम बहुत अच्छे से कर ली तो बाकी भी आपको समझ में आ जाएंगी। सो आज के वीडियो में यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड गिविंग मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट। अगर आपको कंटेंट यूज़फुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास ग्रुप्स में से शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।